हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं अध्याय 6 अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर। तो यह चैप्टर है क्लास 5 और चैप्टर 6 कस्तूरी पुस्तक का। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। प्रश्न पिटारी में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर उत्तर देखते हैं। क का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजय पाल ने। ख का ऑप्शन नंबर 2 सही है राजस्थान में। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है चादर। घ का ऑप्शन नंबर 1 सही है गरीब नवाज ख्वाजा साहब। ठीक है, अब इसके आगे है पढ़ो समझो और उत्तर दो। ठीक है, तो पहला प्रश्न, वर्तमान समय में अजमेर की प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में अजमेर की प्रसिद्धि वहां स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण है। प्रश्न संख्या ख, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम गरीब नवाज कैसे पड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मानव सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझते थे। उन्होंने अपना सब कुछ गरीब लोगों में बांट दिया था ताकि वे अपना जीवन सुख से जी सके। उनकी इसी विशेषता के कारण लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे थे। प्रश्न संख्या ग, दरगाह पर चढ़ाने वाली चादर किस चीज़ की बनाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा, दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर सफ़ेद फूलों को गूँथ कर बनाई जाती है तथा उसमें बीच बीच में गुलाब के फूल लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या घ, गऊ घाट को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा, गऊ घाट को सब घाटों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। प्रश्न संख्या च, प्रश्न है पुष्कर मेले की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा, पुष्कर मेले की सबसे बड़ी विशेषता पशुओं का बाजार होता है। इस बाजार में बड़े पैमाने पर ऊँटों, गाय बैलों, बकरियों, भेड़ों आदि पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, अब पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्न संख्या क, पुष्कर किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा, पुष्कर राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या ख, अजमेर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं। तो इसका उत्तर होगा, अजमेर में अनेक दर्शनीय स्थल है जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तारागढ़ फोर्ट, आना सागर लेख, ब्रह्मा जी का मंदिर आदि। ठीक है, अब ग प्रश्न, अजमेर में किसकी दरगाह है। तो इसका उत्तर होगा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। भाषा ज्ञान, यह व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाएं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दो शब्द होता है। उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग होता है, पहले होगा तो उपसर्ग और बाद में होगा तो प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग देखिए, यहाँ पर दिया गया है उसको, उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़ करके अब हम नए शब्द का नए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार है। तो उपसर्ग यहाँ पर दिया गया प्र और मूल शब्द है हार, तो बना प्रधनहार और नया शब्द बना प्रहार। उपसर्ग है अन और यहाँ पर मूल शब्द है होनी, तो अन धन होनी तो होगा अनहोनी। उपसर्ग है भर और मूल शब्द है पूर। ठीक है, तो शब्द बनेगा भर धनपुर यानी भरपूर। अभी उपसर्ग है और मूल शब्द मान
और इससे नया शब्द बनेगा अभिमान, अभिधनमान अभिमान, ठीक है। अति शब्द है और इसमें मूल शब्द रिक्त है, तो नया शब्द बनेगा अतिरिक्त, यानी अति धन रिक्त अतिरिक्त। स्व उपसर्ग है और अभिमान मूल शब्द है, इससे नया शब्द बनेगा स्वाभिमान, तो स्वधन अभिमान स्वाभिमान। उपसर्ग निर है और मूल शब्द आकार, तो नया शब्द बनेगा निराकार, निर्धन आकार निराकार। उपसर्ग हो गया सु, अब मूल शब्द है फल, तो नया शब्द बनेगा सुफल, तो सुधन फल सुफल, ठीक है। तो इसको इस प्रकार याद कीजिएगा, प्रधन हार प्रहार, अनधन होनी अनहोनी, भर धन पूर भरपूर, अभिधन मान अभिमान, अतिधन रिक्त अतिरिक्त, स्वधन अभिमान स्वाभिमान, निर्धन आकार निराकार, सुधन फल सुफल, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, यानी समान शब्द लिखना है। तो सूर्य, सूर्य का समानार्थक शब्द है रवि दिवाकर। रात्रि शब्द का समानार्थक शब्द रात्रि का है रात निशा। ईश्वर शब्द का समानार्थक शब्द भगवान परमात्मा। वायु शब्द का समानार्थक शब्द पवन समीर। बादल शब्द का समानार्थक शब्द मेघ घन। कमल शब्द का समानार्थक शब्द नीरज जलज, ठीक है। इस प्रकार समानार्थक शब्द लिख सकते हैं। अब आइए तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप इसका मिलान कर लीजिए। क का आंसर है, कभी भी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ख का उत्तर है, समय बीत जाने पर कभी भी हाथ नहीं आता। ग का उत्तर है, रोटी खोकर कौवा हाथ मलता रह गया। ग का उत्तर है, बच्चों ने तो सारा घर सिर पर उठा रखा है। अंगा का उत्तर देखिएगा, उत्तर है, मेरी बात की गांठ बांध लो नहीं तो पछताओगे। इस प्रकार से सही मुहावरा चुनकर वाक्य बनाना है। अब देखिए चौथा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो अर्थ हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे जग, जग का दो अर्थ है बर्तन और संसार। बर्तन से वाक्य बनाएंगे, जग में पानी रखा है, ठीक है। जग एक बर्तन है और शब्द से वाक्य बनाएंगे, जग में पानी रखा है, यानी बर्तन में पानी रखा है। जग का दूसरा अर्थ होता है संसार, तो इसका इस संसार का वाक्य बनाएंगे, इस जग में सुख दुख आते रहते हैं, यानी जग यानी संसार, इस संसार में सुख दुख आते रहते हैं। भेंट शब्द का दो अर्थ है उपहार और मुलाकात। उपहार से वाक्य बनाते हैं, उसने मुझे एक सुंदर भेंट दी, यानी भेंट दी यानी उपहार दी। मुलाकात से वाक्य बनाते हैं, उनसे भेंट करके तुरंत मामला तय करो, यानी उससे मुलाकात करके तुरंत मामला तय करो। पूर्व, पूर्व का दो अर्थ होता है पहले और दूसरा अर्थ है एक दिशा। तो पहले का वाक्य बनाते हैं, उससे पूर्व राम घर पर आया था, यानी पूर्व यानी उसके पहले राम घर पर आया था। एक दिशा का वाक्य बनाते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है, या बोल सकते हैं सूर्य एक पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। अब आते हैं मोहर। मोहर का दो अर्थ होता है सिक्के और ठप्पा। मोहर का मतलब सिक्के का वाक्य बनाएंगे तो है, उसने मुझे सोने की 100 मोहरे इनाम में दी, ठीक है, यानी 100 सिक्के दी इनाम में। मोहर का अर्थ है ठप्पा। इसका वाक्य बनाते हैं, इस पत्र पर मोहर लगाकर अधिकारी के हस्ताक्षर कराओ, ठीक है, यानी मोहर लगाकर यानी ठप्पा लगाकर। तो इस प्रकार से एक शब्द का दो अर्थ होता है और दोनों का वाक्य बनाना है। पांचवा प्रश्न, काल पहचानिए। यहाँ पर आंसर दिया गया है, क का उत्तर है भूतकाल, ख का उत्तर है भविष्यत काल, ग का उत्तर है वर्तमान काल, घ का उत्तर है भूतकाल, अंग का उत्तर है भूतकाल, च का उत्तर है वर्तमान काल, च का उत्तर है भविष्यत काल,
ठीक है, तो इस प्रकार से काल समझना है। छठा प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से कुछ अन्य शब्द बनाइए। ठीक है, गुण शब्द है, गुण शब्द से अन्य शब्द बनेगा गुणवान गुणवती। धन शब्द है, इससे अन्य शब्द बनेगा धनवान धनवती। शक्ति शब्द है, इससे शब्द अन्य शब्द बनेगा शक्तिशाली शक्ति संपन्न। अगला शब्द है बल, बल शब्द से अन्य शब्द बनेगा बलवान बलवती। अब आते हैं देश, देश शब्द से अन्य शब्द बनेगा देशवासी देशभक्त। मूल्य शब्द से बनने वाला शब्द है मूल्यवान बहुमूल्य। इस प्रकार से शब्द एक शब्द से अन्य शब्द बनाए जाते हैं। अब आते हैं सातवां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर क का उत्तर हो गया मुझे बहुत भूख लगी है। ख का उत्तर है अमित बचपन में तबला बजाया करता था। ग का उत्तर है मैंने अपने कपड़े स्वयं धोए। घ का उत्तर है मेरी पुस्तक खो गई। अंग का उत्तर है उसे घर छोड़कर भाग जाना पड़ा। छ का उत्तर है रवि ने वही खिलौने खरीदे। ठीक है, अब आते हैं आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अपने मेले में जो भी देखा उसका वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले नाम लिखेंगे रमन विहार, मकान संख्या देंगे 144, हम मॉडर्न टाउन अपना जगह पता देंगे सोनीपत हरियाणा। अब उसका नाम लेंगे प्रिय राहुल। ठीक है, किसके के पास लिख रहे हैं तो प्रिय राहुल के पास। अब उसको नमस्कार करेंगे। उसके बाद अपने बारे में उसके बारे में थोड़ा सा अब और लिखेंगे। लिखेंगे मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए। राहुल, मैं और मेरी छोटी बहन लिली पिछले रविवार को अपने माता पिता के साथ शीतला माता का मेला देखने गए। वहाँ मेले में हमने बड़े बड़े झूले, जादू का खेल, खिलौनों और खाने पीने की चीज़ों की बहुत सी दुकानें देखी। हमने सारे मेले में घूम घूम कर खूब खाया पिया, झूला झूला और अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। सच मेले में बड़ा मज़ा आया। कभी अवसर मिले तो तुम भी किसी मेले की यात्रा अवश्य करना। चाचा चाची को चरण स्पर्श, तुम्हारा मित्र। ठीक है, उसके बाद है अपना मित्र अपना नाम लिख देना है राजन। इस प्रकार से यह चैप्टर अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर का क्वेश्चन आंसर पूर्ण होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो कृपया से सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।